आपके लिए लाया है सुनहरा मौका। जो लोग स्वराज टीपी यानी कि हैवलॉक आइलैंड में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए लाया है 12 प्लॉट। यहाँ प्लॉट हैवलॉक आइलैंड के मार्केट से मात्र 2 किलोमीटर में है और NH पर है। अगर आप टूरिज्म से जुड़े किसी भी तरह के बिजनेस करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। यह ज़मीन हैवलॉक के श्यामनगर गाँव में स्थित है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9933254242। डिगलीपुर में लगातार बिजली कटौती से वहाँ की जनता काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। बड़ी मुश्किल से 4 से 5 घंटे की ही लोगों को बिजली मिल रही है। डिगलीपुर में बिजली की समस्या इससे पूर्व इस तरह से कभी नहीं देखी गई है। लोगों ने अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर डिगलीपुर में बिजली संकट कैसे पैदा हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर माधुरी शुक्ल के एक गलत फैसले से यह संकट उत्पन्न हुआ है। लोगों का कहना है कि 4 दिसंबर 2023 को एक DG सेट को डिगलीपुर से स्वराज द्वीप के लिए भेज दिया गया, इसके बाद यहां पर यह संकट उत्पन्न हुआ है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि माधुरी शुक्ल अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए कई विवादों को जन्म दिया है। आपको बता दें कि अंडमान निकोबार प्रशासन ने 24 नवंबर को एक आदेश के तहत माधुरी शुक्ल को करंट ड्यूटी चार्ज के तहत निर्देश दिया गया था कि जितने भी फैसले होंगे वह विद्युत सचिव के द्वारा लिए जाएंगे, लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि निर्देश के बावजूद माधुरी शुक्ल विद्युत विभाग संबंधित सभी फैसले ले रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि विभाग का सचिव विभाग को चला रहा है या फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विभाग के सारे फैसले ले रहा है। सूत्रों को कहना है कि माधुरी ने पावर निर्देशक को खुश करने के लिए एक मजदूर को ही हेडो साइट कार्यालय के क्वार्टर में रखवा दिया है। यह क्वार्टर JE का है, लेकिन माधुरी शुक्ल के प्रभाव में अब इसमें एक मजदूर रह रहा है। सूत्रों कहना है कि माधुरी शुक्ल पर पहले से ही कई विभागीय जांच चल रही है, कई फाइल उपराज्यपाल के पास समीक्षा के लिए भेजी गई हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि विद्युत विभाग माधुरी शुक्ल पर कोई एक्शन लेता है या फिर उन्हें मनमानी करने के लिए खुली छूट देता है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।